पॉली भी तो छोटी लगेगी, मैं तो छोड़ दे पॉली कम से कम, नहीं तो 4.5 फुट है, ज्यादा 5 फुट है सर। मम्मी 4 फुट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना बबे, लेडीज को हर्ट नहीं करते बबे, बी अ जेंटलमैन, लर्न फ्रॉम पापा। कबूतर राहुल ने रेस्क्यू किया, आपने पीछे देखा होगा, तू भी गया था करने, क्या किया तूने बब्बे, तू भी क्या देख रहा है, तू तो ऐसा नहीं था। हाँ तो उसकी लार टपक गई, उसकी लार टपक गई, उसकी लार टपक गई। शादी करवा दो, करवा दे उनकी शादी, उसकी शादी करा दो, उसको जिम्मेदारियों का एहसास हो गया, तो बारात आएगी, कौन ज्यादा खुरदार है, हमारा अल्फा मेल राहुल या फिर हमारी फीमेल रॉटवाइलर लेडी और बब्सी। आई स्वेयर आई एम सॉरी, मैं पापा को कभी कुछ नहीं बोलूंगी, कोई काम नहीं बोलूंगी करने को, टाइम से नाश्ता पानी दूंगी, आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग ऑन योर फेवरेट चैनल मिथोलॉजी। और मेरे पड़ गए 4 किलो, आपको प्रीवियस वीडियोस में दिख ही रहा होगा, तो इसलिए मैं सुबह सुबह आई हूँ कार्डियो करने, और यहाँ हो गया है मेरा कार्डियो ऑलमोस्ट कंप्लीट, 5 किलोमीटर ट्रेडमिल पे हो गया। इसके बाद मैं करने वाली हूँ इलिप्टिकल, उस पर भी 1.5-2 किलोमीटर तो हो ही जाएगा, ये करके जाएंगे घर और शुरू करते हैं दिन। तो जो लोग भी कह रहे थे कमेंट सेक्शन में नमिता दीदी मोटी हो गई, हाँ मेरा 4 किलो गेन हो गया, क्योंकि जी भी नहीं टिक रही जब से अमेरिका से वापस, अब आ जाएंगे वापस अपनी फिटनेस रिजीम पे। अवन आडोरानी, लोग कह रहे हैं कि जोई की वेट और हाइट अच्छी नहीं जा रही, पर मुझे तो ठीक लग रहा है, 5 महीने का बच्चा है वो, एक्चुअली ना हम लोग ऊपर से शूट करते हैं, तो बच्चा जब जमीन पे चल रहा होता है, अब जैसे ही तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई है ना, तो बराबर की लग रही है, बराबर की। ये बच्चे की जो जेनेटिक्स है ना माँ बाप के, वो इतने बड़े जाएंगे ना, तो कहेगी ये बब्जी कितना छोटा लग रहा है इसके सामने, बब्जी तो ऑली के सामने भी छोटा ही ना, तो ऑली भी तो छोटी लगेगी, मैं तो लिटरली छोड़ दे, ऑली कम से कम नहीं तो 4.5 फुट है, ज्यादा 5 फुट है शायद, मन्नी 4 फुट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पर तू ये देख, इसको देख, ये 5 महीने का बच्चा तो कम लग रहा है, क्यों और मैं बता देता हूँ, अभी इसकी ग्रोथ 1 साल तक है ना, इससे डबल जाएगी, सोच बढ़िया यार, इनको बहुत मजा आता है लाड़ करने, मुझे प्रति इसका ना पता क्या हो रहा है, ये ना होम को फील कर रही है बहुत ज्यादा अकेली, इसका जो जे है ना वो आज आएगा, फिर ये खुश होएगी, जे को ना लाने का मन नहीं करता, छोड़ दे उसे, हर एक चीज पकड़ती है। ब्लॉग में इतने कमेंट आते कि जे हमें दे दो, ऐसे कैसे दे रहे यार, जे दे दो, हाँ लोग बच्चा कैसे मांग सकते, लोगों को लगता है हम जे को कम प्यार करते हैं, बात सच है, हम कम प्यार करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत थोड़ी दे देंगे यार, बच्चा पैदा की है लोग आउट ऑफ ना प्यार कहते हैं, लोगों को पसंद है जे बहुत। जोई, जे, जेजू, इसको ना तुम्हारे साथ जे की भी परवाह नहीं है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं ऑफिस, यहाँ पे चल रही सफाई, महाराज राहुल गोली खुद ही कर रहे हैं आज सफाई, और यहाँ पे लेडी ऑली को हो रही है तड़पन, क्योंकि ऊपर पड़ा है इसका खाना, तो बब्सी और ऑली को दोनों को ये हो रहा है कि खाना मिलने पहले दे देंगे, बब्बे रिलैक्स, बब्बे बब्बे लेडीज को हर्ट नहीं करते बब्बे, बी अ जेंटलमैन, लर्न फ्रॉम पापा, पापा इज अ गुड ह्यूमन। क्या कर रही है, इसको एक खाना दे दो पहले, है ना राहुल, जो तुमने सब सुबह कबूतर रेस्क्यू किया था वो कहाँ है, वो अंदर ऑफिस में पड़ा, एक डब्बे में डाल दिया, उसको ना खाना देना है दोपहर को, क्या खाते हैं कबूतर, रोटी दे दे, थोड़े चावल दे देंगे, दाल उबली, मैं थोड़ा गूगल भी कर ले तू, क्या हां गूगल कर ले, और ना उसको ना अगर तू छोड़ेगी ना उसके पैर में तो प्रॉब्लम, तो पहले हील होने दे, थोड़ा हील होने दे फिर छोड़ेंगे, क्या बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू फर्स्टली, इनको भी दे दो, मैं खड़ा हुआ था मेरे सामने से नीचे गिरा, इसने शिकार किया होगा ना, क्या हुआ गुड़िया, मिल रहा है खाना, मैं आती हूँ अभी, तो बैठ, कबूतर राहुल ने रेस्क्यू किया, आपने पीछे देखा होगा, तू भी गया था करने, क्या किया तूने, उसने लाके लग दिया उसे, उसके तो बैठे रहने दे अच्छे से, इसको भी थोड़ी देर में ना खाना डाल के देंगे, ओए छोना बच्चा, ओए कितनी मोटी ताजी है, कबूतरी लग रही है मुझे तो, कबूतरी है कुछ पता नहीं, बच, चलो शुक्र है बच तो गई ना, हर जान की कीमत होती है, क्यों गाइस यहाँ पे ना आज मैं 1 बज गया, नाश्ता दिया, थोड़ी इंटरमीटेंट फास्टिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि ये जो है ना पेट से निकल के बहुत बुरे वाला, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा मैंने वही ड्रेस पहनी थी, मैंने अमेरिका में पहनी थी, लेकिन इस बार तो इतनी गंदी आई, तो राहुल और मैंने देख के ना मेरे को खुद को इंसल्टिंग फील हुआ अपने लिए, कि मैंने अपनी फिगर का क्या हाल कर लिया, तो अब मैं वापस थोड़ा सा ना अपनी डाइट वाइट को
है चलो, तो अब 1 बजे मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग के बाद अपना पहला मील लिया, सुबह उबले अंडे खा लिए थे 10 बजे, तो 10 to 8 कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे 12 to 8 कर दूंगी, फिर 12 to 6, 12 to 4 ऐसे करके ड्यूरेशन कम कर दूंगी। यहाँ पे बैठी हुई लेडी वाली और ये ना मेरे खाने पे इतनी नजर रख के बैठी है, और आपके सामने अभी पीछे आपने देखा होगा इसने अपना नाश्ता पूरा खाया, लेकिन इसको मेरे साथ भी खाना है, और बब्जी को देखो चुपचाप देख रहा है दूर से। बब्बे तू भी क्या देख रहा है, तू तो ऐसा नहीं था है? इससे तो बेटर है, चुपचाप देख रहा है लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहा। तुम्हारी आंखें मैं कितनी बार साफ करूं बता दो एक बार। पापा तो फुल टाइम ड्यूटी पे है ना तुम्हारी, कुछ नहीं मिलेगा, खाना खा चुके हो सीधा लंच टाइम पे लंच मिलेगा तेरे को 4 बजे, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा, बैठी रहे चुपचाप, ऐसे ना प्यारा सा फेस बना लेगी। और ना मैं ना काम कर रही थी राहुल, टेबल के नीचे ना आके ना मेरे को ना काटने लग गई कि मेरे को दे ऊपर जो पड़ा है खाना। बब्जी भी उठ रहा नहीं, बबे नो सिट, चल फिर टांगे तो चल रही धीरे धीरे ड्रैग होता हुआ। क्या ही हो गया बेटा तेरे साथ, एक्सीडेंट हो गया दे, मैं थोड़ा सा दे मैं इसको दूं। अंडा अंडा दूंगी बस, ये लो अंडा, ब्रेड नहीं मिलेगी उसको, उसकी लार टपक गई, उसकी लार टपक गई, उसकी लार टपक गई। बब्जी पूरा नीचे थूके डाल रहा है, मैं साफ कर लूंगा यार। बब्जी ना वो और कॉन्फिडेंट हो गया और ऐसे चौड़ा हो गया खड़ा हो गया कि और मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मेरा खाना है। नो बब्बे, गो एंड सिट, जाओ बब्बे, और नहीं मिलेगा, मेरी बात मान ले ठीक है, अब जाके बैठ जाओ। ओए ओए शराबी बब्बे, इतना प्यार है ऐसे शायद मैं इसके फेस के एक्सप्रेशंस ले रहा हूँ, उधर से देखो हमारे भैया जी ना हंस रहे हैं वहां से। बबे नहीं मिलेगा, आला आला को तो नहीं समझ आती, मैं शुक्र करो सिर्फ देखता है भैया, कह रहे बब्जी को सिर्फ देखते रहते, मैं कहा शुक्र करो सिर्फ देखते, भगवान से प्रे करो सिर्फ देखे ही वो आपको और कुछ ना करे, है ना बब्जी? क्या कह रहे हो? बर्तन फेंकती है ना, आपको सुबह अलार्म क्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, जब ये बर्तन खड़का है समझ लो उठने का समय हो गया। वो जब कोई दूसरा डॉग आता है ना इसकी उसमें तब करती है, है ना वाला? मम्मा करते किसी, मैं बब्बे तू नहीं हट पीछे, मम्मा पीछे कर दिया, तू मेरी वो है चेप है मेरे साथ, है सिली हुई है मेरे साथ, आई बड़ी मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा ना राहुल, ये मेरे को वो करती है कि मेरे को लाड करो, वो देखो आ गया प्यार का पूरा, उसको बेचारे को कुछ नहीं चाहिए सिर्फ लाड चाहिए, है ना बब्जू, है ना? वो देखो किसी कर रही है बब्जी को, और मेरा बच्चा भगवान भी ना जोड़ियां बना के भेजता है, क्यों राहुल? बिल्कुल सही, शादी करवा दो इनकी, करवा दे इनकी शादी, इसकी शादी करा दो, इसको जिम्मेदारियों का एहसास होगा, इस घर जाएगी बब्बे को दूल्हा बनाओ, तुम्हारी शादी की ना पगड़ी पड़ी है गोल्डन वाली, इसको पहना दे, पहना दे शादी कर, और ओली को लहंगा पहनाते हैं, मैंने इसका लहंगा कस्टमाइज करवाऊंगी चांदनी चौक, इनकी शादी करवाते हैं राहुल, है बच्चे तो है हमारे, लेजिट हस्बैंड एंड वाइफ बन जाएंगे, ये देखो कितना प्यार है। तो गाइस आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ क्या हम इनकी शादी करा दे प्रॉपर, इनको हस्बैंड वाइफ का टैग तो मिला हुआ है लेकिन हम प्रॉपर रीति रिवाज के साथ इनकी शादी करवा दे, तो बारात आएगी, डोली उड़ेगी, हॉल बुक करेगी तुम्हारी बहन, तुम लड़के वालों की तरफ से आना मैं लड़की लेकर आऊंगी, ठीक है प्रॉपर बराती नाचेंगे सब कुछ होगा, शराब बहेगी, जो मन करेगा वो करेंगे, पूरी यूट्यूब फैमिली को इनवाइट करेंगे। हाँ मीटअप क्या करना, मीटअप छोड़ो तुम इनकी शादी कराओ, वही मीटअप है। तो गाइस ये मेरा खुराफाती दिमाग बैठे बैठे चल रहा है अंडा खाते खाते, आप बताओ कमेंट सेक्शन में अगर एक अच्छा आइडिया है कि नहीं। ओला तेरे को हम छोड़ दे, तेरे को हम ना आज घर से निकाल दे, ठीक है निकाल दे तेरे को घर से, तू ना हमारी बात नहीं सुनती इसलिए हम तेरे को घर से निकाल रहे, समझ आ गए? मुंह खोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घबरा गई भागे खुद भागे नहीं निकाल रहे, क्यों टेंशन ले रही है? हाँ कर ले निकाल देंगे, तो मैं ना किस करके ना कन्विंस कर लेगी, मत निकाल दे, निकाल दे। अच्छा ओला तेरे को हम कहीं दे दें, बता बता तेरे को कहीं हम दे दें, मुंह क्यों छुपा रही है, गुस्सा हो रही है,
दे दें तेरे को कहीं और, ओला को ना कहीं और दे देते हैं। ओला कहाँ रहेगी तू, वो तेरे को अच्छे तरीके से रख पाएंगे, तू बब्जी से अलग होके रह लेगी। मुंह क्यों छुपा रही है, गुस्सा हो रही है, गुस्सा आ रही है, इधर देख, इधर नाराज हो गई तुमने छोड़ने की बात की ना उसको। ये पैर तेरी नहीं, ओ कहीं नहीं छोड़ रहे ओला, तेरे को हम छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। ओ मेरा बेटा, क्या हुआ, पपी फेस बना लिया क्यों सा? नहीं हम तेरे को छोड़ देंगे, इससे हमें कोई फायदा नहीं, ठीक है, हम तेरे को छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे, चल जा तू, जा तू, जा। दोनों पैर ऊपर करके क्या कर रही है, कि मुझे मत भेजो, क्या कर रही है ये, ऐसे करके क्या हो जाएगा, तू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ना कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा खुरवाट है, हमारा अल्फा मेल राहुल या फिर हमारी फीमेल रॉटवाइलर लेडी ऑली। नहीं किससे नहीं करनी, गुर्रा के दिखा, कौन कहता है कि कबाड़ बोलो नहीं करती हूँ भाई, यहाँ पे हो क्या गया है, तू बिना कमांड के यार, ये तो मेरे राहुल पकड़ा ना, बस बस बस। मैं राहुल तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें टाइम से खाना दूंगी, मेरे को पता है आज मुझसे देर हो गई है खाना देने में, तो ही तुम मेरा ये हाल करोगे क्या। ए, दोनों मम्मी का सारी बोलो, मम्मी खड़ी है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं कभी नहीं करूंगी, मैं तुम्हें पक्का पूरा टाइम पे खाना दूंगी, तुम्हें भी दोनों को टाइम से दूंगी खाना। बब्सी आई स्वेयर आई एम सॉरी, मैं पापा को कभी कुछ नहीं बोलूंगी, कोई काम नहीं बोलूंगी करने को, टाइम से नाश्ता पानी दूंगी, आई एम सॉरी, माफ कर दिया, मैं नीचे आऊं, मैं आऊं, मैं आऊं, उसके चपेट को मुझे आने दे, मैं आऊं, 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 ओके, पीस आउट, पीस आउट, बब्सी, पीस आउट, पीस आउट, पीस आउट, हां पीस आउट, पीस आउट, पीस पीस पीस, सब कुछ तेरी वजह से है। तो यहाँ राहुल बब्जी और लेडी ओली को ये सिखा रहे हैं कि कोई भी चीज लाइफ में फ्री में नहीं मिलती, हर चीज कमानी पड़ती है, ट्रीट भी कमानी पड़ती है, ट्रीट कुछ नहीं है, पेडिग्री है, बब्जी की टांग नहीं चल रही, उससे झुका नहीं जाता, कोई बात नहीं, तो उसे फोर्स भी मत करो, बब्बे डाउन डाउन नहीं हो रही ना, अब ये देख ओला डाउन, पूरी गो, कोई नहीं यार, पर नहीं चला जा, कम ओला कम, अप अप अप, नहीं मिलेगी, भूख ही नहीं अब, इतना तो खाया है, डाउन, इतना ही हो सकता है वो बेचारा, है ना, डाउन, ये ना एक तो ट्रेनिंग के बीच में ना औरतें ना परेशान करती, तुम ना ज्यादा बकवास मत करो, सब औरतों को क्यों टारगेट, तुम्हारा टारगेट ना मैं हूं बेसिकली, ओला मत कर तू, रहने दे, एक तो ना ओला साइड से गंजी हो गई ना, इतनी बकवास लग रही है ना यहाँ, ये देखो डाउन, हे डाउन डाउन, गुड बब्सी, जेंटलमैन है तुम, अगर ओला को कुछ दे रहे हो ना बीच में नहीं आता, ओला सिट और स्टे बोला है ना, सिट सिट स्टे स्टे, ओला कम कम, ओला सिट, ये क्या चल रहा है, ये स्टे करके रुका था ना, ये नहीं आई ना, ये हिट गवार, औरत बाबू भैया औरत, स्टे बब्जी देख लो कितना समझदार है, कितना समझदार, स्टे मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, बब्जी भी आ गया वो बेचारा कब तक बैठा रहेगा, बाहर आ जा किचन से, तू अंदर नहीं मिलेगा तुझे कुछ, इसको हिंदी भी आती है देखो, ओए मेरी टांग मारती हुई है, उसके दर्द हो रही है, नहीं हुआ जा रहा, नो नो बब्जी जितना अच्छा है ना, मेरे को लगता है उसकी पेशेंस उतनी ज्यादा ट्राई होती है, ओए मिला पा रहा बब्जू, कितना समझदार है, यस गुड बॉय बब्जी, गुड बॉय, बहुत पेशेंस वाला सबर वाला बच्चा है ये। तो गाइस बच्चे आ गए हैं घर, और एक ताजा अपडेट देती हूँ, मेरा ना शिवाय बोलने लग गया गाइस, लेकिन क्या बोलने लग गया ना वो दीदी बताएगी, क्या बोल रहा था दीदी बताओ ना दीदी, अरे मुझे ठंडा पानी था वो, कोई नहीं दीदी, वैसे क्या बोल रहा था शिवू दीदी, गंदी बात,
और हरमन सर बताएगा। तो बेसिकली दीदी तो बोल नहीं पा रही है, लेकिन जो गालियां शिवानी ने दी हैं वो हैं एमसी डीसी ग्रीन मैंगो मोर। तो ये लड़का वैसे नहीं बोल सकता, वैसे इसका म्यूट बटन ऑन है, ठीक है, आलस आता है ना इसको बोलने, लेकिन जब गाली देनी होती है इसका म्यूट बटन ऑफ हो जाता है। और अब फंस रहा है, अभी फिर गाली देकर आया दीदी को, तो इसकी आज मैं करूंगी कुटाई, क्योंकि इसने गालियां दी। अंदर से एक मन मेरा कर रहा है मैं नहीं करूंगी, एटलीस्ट बोल तो रहा है, अच्छा गाली दे रहा है। ये देखना कैसे हंस रहा है। हाँ जी, आ गए हो नानी घर से? और जोई कैसे थी? आपको जोई की याद आई? जोई की याद आई थी? आई थी? कहाँ है जोई? जोई आजा, जे आ गया बेटा, आ गया जेजू, आ गया नानी हाउस से। और जोई ने देखो अपने मुंह में ना चम्मच पकड़ लिया। और जे और जोई ना बड़े दिनों बाद ऐसे लग रहे हैं शिद्दतों के बाद मिल रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं प्यार। ओ बस इतनी उदास बैठी हुई थी ये लड़की, कमरे में नहीं घुस रही थी हमारे, बाहर ही बैठी हुई थी। नहीं नहीं काटी नहीं खानी, नाराज हो गई है। नहीं 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 जोई, नहीं बेटा, नहीं भाई है, भाई है बेटा, भाई, नो 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 नो, उसके बेटा निशान पड़ जाएंगे। क्या कर रही है, बहुत ज्यादा प्यार कर रही है ना, बड़े दिन बाद मिले ना दोनों। जोई की याद आई आपको जी जो है? नहीं बेटा, जोई ने मुंह में डाला, दूसरा ले लिया। जोई जे क्या कर रहे हो बेटे? जे जोई को डांस करा दे। जोई डांस, आपको आता है डांस करना? जोई को डांस कराओ, बोलो झुमका गिरा रे, बोलो जब जोई को नाचो नाचो करा दे, बोलो नाचो, हाँ बोलो नाचो नाचो। जोई आपको आता है नाचो नाचो? तो गाइज आज हम आपको एक ऐसी चीज दिखा रहे हैं जो हमने आप कभी अपने व्लॉग में नहीं दिखाई, क्योंकि वी आर टोटल नॉन बिलीवर्स ऑफ फ्लॉन्टिंग एनीथिंग, बट आज मैं आपको दिखा रही हूँ। लोग ना हमें बहुत ज्यादा ना ताने कसते कि तुम कुछ नहीं करते स्ट्रीट डॉग्स के लिए, तुम बस अपने ब्रीडेड पेट्स को प्रमोट करते रहते हो। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा रोज का कार्यक्रम है, इसमें है थोड़े से एग्स, एग्स और राइस, एग्स राइस, एग्स और राइस। तो बेसिकली गाइज मैं आपको ये बताती हूँ, हमारी जो सोसाइटी है ना यहाँ पे ज्यादातर वेजिटेरियंस हैं, तो कोई भी अगर इसको जैसे जो भी लोग देते हैं स्ट्रीट डॉग्स को फूड हमारे एरिया में, तो वो नॉन वेज या अंडा नहीं दे पाते, वो दूध ब्रेड या ये सब चीजें ही देते हैं या रोटी, ठीक है ना। तो एक डॉग की ना नीड होती है, जरूरत है इनको एग्स की, तो हमने बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन हमने इनकी डाइट में एग्स इंक्लूड किए हुए हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में कोई भी नहीं करता। तो ये था जो आपको अपडेट देना, जो बकवास करते हैं ना, अब इसके बाद नहीं दिखाऊंगी, आज दिखा दूंगी।